पहले यादगार। मिश्रा जी, मैं आपको बता रहा था कि ये आन्या जो है ना, ये मैजिकल बॉलर है और बहुत फेमस बॉलर उस वक्त के मझगांव के। आन्या, प्रशंसा करूंगा, आपने जो कुछ भी कहा उन्होंने अपनी पहली गेंद पर दिखाया भी जरूर, लेकिन यहाँ पर खड़े खिलाड़ी ने आखिरकार मराठी में एक शब्द का मैंने बचपन से सुना है, जब से कमेंट्री दे रहा हूँ, आई कमल बग, ये फेमस मेरे दिमाग में बैठ चुका है। ये 1978 से मेरे दिमाग में ये मराठी शब्द बैठ चुका है, जब भी कैच छूटता है एक ही शब्द, आई कमल बग। किस प्रकार से कैच छोड़ा, हाथों से टकराई गेंद और कैच छोड़ा वहां पर खिलाड़ी ने, उनका शुभ नाम कोई बताएगा खिलाड़ी का? प्रमोद। एक आसान सा कैच और जीवनदान मिला। अनिल की अगली गेंद और यह हुक किया, वहां पर एक रन घोषित के रूप में मिलता हुआ, टीम का स्कोर 2 रन। पहला ओवर चल रहा है, पिछले मैच में दीपेश निकुल संतोष सामना कर रहे हैं अनिल की अगली गेंद का। अगली गेंद राउंड विकेट, फिर से एक बार ऑन साइड में खेला और एक रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर बढ़ता हुआ 3 रनों पर पहुंचा है। 3 रनों में 2 रन हैं संतोष के, दीपेश खेल रहे हैं 1 रन पर। आपस में जाकर बीच विकेट पर बल्ला बदली किया और संतोष फिर से एक बार। हरीश जरा बसुन गया ना प्लीज। इस बार मारने का प्रयास विकेट कीपर से, वहां पर चूक हुई है, 1 रन दौड़कर पूरा किया। हॅलो तर नक्कीच मिथुन, आपण पाहिलं की या पहिल्या षटकामध्ये ज्या प्रकारे झेल ड्रॉप झाला, खूप महत्त्वाचा झेल होता, झेल अंतिम क्षण मात्र ड्रॉप केला गेला, तर नक्कीच ज्या फलंदाजा ज्या क्षेत्ररक्षकाने झेल ड्रॉप केला होता, प्रमोदजी फक्तोरे सरांच्या आपण थोडा बाईट घेणार आहोत, तर नक्कीच विचारूया की कशा प्रकारे झेल ड्रॉप झाल्यानंतर। वन शॉट अंपायर ने बताया, 2 रन खतरा हो सकता था वहां पर, लेकिन बाल बाल बचे हैं, कुल रन संख्या है 5। ओवर की समाप्ति पर जीवन दान। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो षटक संपले इथे, सन्माननीय प्रमोद जी वागचौरे सरांच्यापासून आपण पाहिलं की झेल ड्रॉप झाला होता, सर नक्कीच दडपण आहे, प्रेशर आहे, प्रत्येक सामना आपल्या संघासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे नक्कीच लाईव्ह टेलिकास्ट आहे इथे, तर कॅमेराकडे सर आपण फेस करायचं आहे। 5 विकेट लॉस, खूप महत्वाचा झेल होता, ड्रॉप जरी झाला असला तरी मात्र आता मात्र संघाचं दडपण आपल्यावरती असेल, तर आपण सध्या आता काय फील करत आता या झेल ड्रॉप झाल्यानंतर? नाही आता बरोबर उपस्थित फिल्डिंग कर, त्याचं टेन्शन नाही, झाला ड्रॉप होत्या कधी कधी, ठीक आहे। थँक यू व्हेरी मच सर, यस तुम्ही कधीही आयुष्यात तुम्ही जिथून सुरुवात करता तिथून मात्र तुमच्या चांगल्या गोष्टीला सुरुवात होते, आणि हेच सर सांगितलं की यस जरी वेळ निघून गेली असेल तरी मात्र इथूनही आम्ही हिंमत हारलो नाही होत, आम्ही एफर्ट्स करू, मेहनत घेऊ आणि इथूनही आम्ही आमच्या संघाला विजयाच्या दिशेने घेऊन जाऊ। ओवर टू मिश्रा सर, थँक्यू। धन्यवाद मोरे। तो राकेश मोरे जी, आपको बता दें कि नागेश यादव जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय, गोल्डन क्रीड़ा मंडल को, पुरानी यादें, बहुत कुछ दिया उन्होंने अपने इस गोल्डन क्रीड़ा मंडल को। इस बीच 1 रन काफ़ी तेजी से के साथ दोनों बल्लेबाज ले गए और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 7 रनों पर पहुंचा है। दूसरा ओवर चल रहा है और अभी अभी वहाँ पर कुछ अनुभव के बोल हमारे सहयोगी राम मोरे प्रमोद के पास गए थे, उनका कहना था कैच तो छूटता ही है, तो आखिरकार कैच छूटा था, जीवनदान मिला था वहां पर बल्लेबाज। खराब गेंद, लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ही खराब, लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, जाने दिया बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 बिना किसी नुकसान के, 8 विदाउट लॉस। दूसरा ओवर चलता हुआ, अल्पेश है गेंदबाज,
अगली गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर और ये वाइड का इशारा, एक रन मिलेगा वहां पर बल्लेबाज कर रही टीम को। स्कोर बढ़ता हुआ 9। संघर्ष क्रीड़ा मंडल पहले बल्लेबाजी करते हुए, इस बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर गए गेंद के नीचे और उसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ। स्कोर इस समय 9 रन एक विकेट के नुकसान पर, 9 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। अगली गेंद देखना है कितने रन मिलते हैं और ये 4 रन का इशारा अंपायर का। ओवर द विकेट, एक रन घोषित किया अंपायर ने। स्कोर बढ़कर पहुंचा है, कुल रन संख्या है 14 एक विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑफ साइड में खेला है, रन आउट का मामला हो सकता है वहां पर, देखना है। और इसी के साथ आउट, रन आउट। संघर्ष क्रीड़ा मंडल टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। जवाब में 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। बाल गोपाल अर्थात रमेश साबड़े के नेतृत्व में जो टीम खेल रही है उसे 12 गेंदों में 15 रन बनाने हैं। देखना है प्रारंभिक बल्लेबाज जो उतारते हैं रमेश साबड़े, वो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। आज हमारे देश को, न केवल मुंबई को बल्कि हमारे देश की एक महान गायिका जिसे कोकिला कहा जाता था, कोयल की आवाज़ व माँ सरस्वती की सुपुत्री आज हमारे बीच नहीं रही। एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि गोंडल क्रीड़ा मंडल की तरफ से मेरे सहयोगी राम मोरे में हरीश मिश्रा, हमारे सहयोगी देसाई और प्रशांत केदार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। पहली ही गेंद पर चौका,
डालकर खेला है इमारत दूसरी मंजिल पर, एक रन वहां पर अंपायर ने घोषित किया है, रन संख्या बढ़कर पहुंची 5, पहला ओवर चल रहा है, मात्र 2 ओवर का मैच, अल्पेश खेल रहे हैं 5 रन पर 1 चौके की मदद से और अनिल है नॉन स्ट्राइक रन पर। फिर से एक बार खेल दिया इमारत से गेंद टकरा कर, जब तक आती एक रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाने जाते खतरा हो सकता वहां पर, 2 खिलाड़ियों के बीच गेंद आई है और जब तक गेंद को पकड़ दे सुरक्षित अपनी क्रीज में बल्लेबाज, एक रन की सहायता से पहुंच चुके थे। टीम का स्कोर है 6। अब अनिल सामना करेंगे, गेंदें हुई हैं कुल मिलाकर 3, 3 गेंदों में 6 रन बना लिया है, 9 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए 9 गेंदों में। गेंद को हवा में उछाला है ऑन साइड में, 1 रन वहां पर घोषित कर दिया है अंपायर ने, अनिल ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर 7, अनिल खेल रहे हैं 1 रन पर और सहयोगी खेल रहे हैं अल्पेश 6 रन पर जिसमें एक चौका शामिल है। 7 विदाउट लॉस, अगली गेंद शॉर्ट गेंद, फिर से एक बार अपना ऑफ स्टंप कवर किया, पुल कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से और ये 4 रन का इशारा अंपायर का। गेंद 11 रन बन चुका है बिना कोई विकेट खोए, अनिल और अल्पेश की जोड़ी मैदान पर, दोनों खिलाड़ियों ने एक एक चौका लगाया है अपनी टीम के लिए। अगली गेंद फिर से एक बार इसे पुल कर दिया, 1 रन दौड़कर पूरा किया और ये 4 रन का इशारा अंपायर का और इसी के साथ